हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी मम्मी कटोच भी मेरे साथ है, क्योंकि गाइस आज हम जा रहे हैं कियान को लेके पार्क में। पार्क जा रहे हैं गाइस, और अंजली कटोच को कियान के लिए बस को बस का एक्सपोजर देना गाइस उसको, क्योंकि मैंने सुबह इसको बोला कि निखिल छोड़ के देखा हमें पार्क तक, पर ये बिल्कुल भी नहीं माने गाइस, क्योंकि कियान आज तक बस में गया नहीं है गाइस। तो इसको कियान को बस का एक्सपीरियंस कराना है। तो आज हम जा रहे हैं पार्क में कियान के साथ बस में। तो चलो लेट्स गो। हाय हाय। मजा आ रहा है? मुंह मत रखो, अच्छा गंदा होता है। तो गाइस हम अभी बस में बैठ चुके हैं और पहुंचने वाले हैं कियान लुड़ लुड़ोगे क्योंकि इसको गाड़ी में सुस्ती हो जाती है। दैट्स व्हाई। और मम्मी बहुत दूर है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं कि मैं पहले से थक चुकी हूँ। हम पहुंच चुके हैं पार्क में और कियान आते खेलने लग चुका है। लेट्स नहीं, चलो दिखाती हूँ मैं उसको। बहुत गर्मी होगी और गाइस जंप करो, जंप करो, ऐसे करो, जंप करो, जंप करो मासी, जंप करो कियान जी, जंप करो। जैसे देखो वो गए थे हम मिकी माउस में, और मैं कियान को ऊपर को लेके गई थी। और गाइस मुझे इतना डर लग गया खुद को नीचे को आने में, अभी मेरे हाथ कांप रहे हैं। ट्रैम्पोलिन पे आए गाइस और किस में बैठे हो आप? हम आ चुके हैं बोट में और सियान जी भी है हमारे साथ। कैमरामैन मिस्टीरियस है। कैसा लग रहा है कियान जी? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। लाए थे हम बच्चे को मजे करने, बोट से आ चुके हैं गाइस हम, और ये दोनों पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्रॉलिंग कर रहे हैं। और गाइस क्या हो गया, बोट में जाके मजा तो बहुत आया पर एक्सरसाइज बहुत करा दी इन्होंने, क्योंकि अंजलि को बोट लगा, बोट क्या बोलते हो, पैडल लगाना ही नहीं आ रहा था, थकान हो गई, बहुत भूख लगी है मुझे। चलो यार खाने को कुछ है क्या, पता नहीं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कियान को लेके पार्क से वापस, और गाइस पहले के कंपैरिजन में बहुत गर्मी हो गई है अभी, और धूप में बैठ बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई, जो कि मुझे लग रहा है, आई डोंट नो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आई डिसाइडेड कि लेट्स डू अ स्किन केयर। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए डिटैन पैक बना लिया गाइस, जिसे मैंने डाला है कॉफ़ी, हनी, और उसको मिक्स कर दिया है मैंने दूध के साथ। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप दही के साथ भी लगा सकते हो, तो या तो गाइस चलो इसको लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुस्ती हो रही है गाइस, मुझे ये पैक लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, पर क्या करें, बना दिया है तो लगाना तो पड़ेगा। तो दोस्तों लग चुका है हमारा पैक पूरा, और अगर ऐसे मैं बाहर गई तो लोग मुझे देख के डर जाएंगे, तो देखते हैं हम कैसे जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, और अभी मैं लगा रही हूँ एलोवेरा मुंह में, क्योंकि आई थिंक एलोवेरा उनको लगाना चाहिए जिनका फेस ड्राई है, और मेरा फेस बहुत ड्राई है, तो दैट्स व्हाई मैं एलोवेरा लगाना चाहूँगी अपने फेस पे। और मेरे बोलने पे कुछ भी मत करें दोस्तों, क्योंकि इट्स माय फेस, आई नो कि मेरा फेस कैसे चीज़ों के साथ बैठता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बोलने पे आप एलोवेरा लगाओ और अगले दिन इतने बड़े बड़े फोड़े लेके आओ मेरे सामने, नो आई डोंट वॉन्ट दैट। इसको लगा के हम थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद भी कुछ करने की कोशिश करेंगे गाइस। मेरे पास फेस मास्क था कि नहीं था आई डोंट नो, अगर वो है तो हम वो लगाएंगे, अगर वो नहीं है तो हम अपना स्किन केयर वहीं ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या ही कर सकते हैं। और जिनका फेस ड्राई है मुझे लगता है उनको बार बार फेस वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा और ज़्यादा फेस ड्राई हो जाता है, ये मैंने अपने फेस में नोटिस किया है, और तो आई डोंट नो। और मेरे फेस पे टाइम टाइम पे पिंपल्स निकलते रहते हैं गाइस, शायद मेरे पिंपल्स को लगता है मैं कहीं उन्हें भूल ना जाऊं, तो टाइम टाइम पे पिंपल निकलने के कारण, यहाँ देखो अभी भी यहाँ निकला हुआ है, टाइम टाइम पे पिंपल निकलते रहते हैं, और जिस कारण मैं अपने फेस में स्क्रबिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर पिंपल्स है और मैं स्क्रबिंग करूँ तो वो पिंपल्स दो की जगह चार निकल आते हैं गाइस, दैट्स व्हाई आई अवॉइड स्क्रबिंग। दैट्स ऑल, इतना ही लगाना चाहूँगी मैं, इससे ज़्यादा नो नो थैंक्स। तो ये जो बचा हुआ है वो हम लगाएंगे अपने सुनहरे बालों में, क्योंकि व्हाई नॉट, क्योंकि मैंने अपने बालों में तेल भी लगाना है गाइस, तो बचा है तो लगा लेंगे ये भी। ओके तो दोस्तों एलोवेरा लगा चुकी हूँ मैं अपने फेस पे, और थोड़ी देर बाद वॉश भी कर लेंगे हम, पर तब तक हम लगाएंगे अपने बालों में तेल। तो गाइस ये वाला तेल है नारियल का तेल, जो मैं अपने सुनहरे बालों में लगाती हूँ, और इस तेल के साथ आई मिक्स दिस तेल, जो कि है कैस्टर ऑयल,
ये मैं मिक्स इसीलिए करती हूँ क्योंकि आई फील जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बस 5 या 6 बूंदी यूज़ करने का इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि कैस्टर ऑयल इज़ वेरी चिपचिपा तो इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब से मैं ये तेल लगा रही हूँ गाइस कैस्टर ऑयल कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके आई फील कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है और लंबाई है वो बढ़ रही है। लंबाई नहीं मतलब मेरे बालों की ग्रोथ जल्दी हो रही है। और आई डोंट नो इट्स ट्रू और कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है आई डोंट नो। तो गाइज तेल लग चुका है एलोवेरा लग चुका है अब हम आधा घंटा रुकेंगे और अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ उसके बाद लगाएंगे हम फेस पे फेस मास्क और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वील वॉश दिस थिंगी। तो दोस्तों मैंने बाल धो लिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब लगाएंगे हम अपने फेस पे मास्क शीट रोज मास्क शीट एक हनी वाला भी था गाइस पर हनी मैंने दिन को ही लगाया तो मैं हनी नहीं लगाऊंगी। फेस मास्क लगा दिया गाइस मैंने और अब इसको हम निकालेंगे 15 मिनट के बाद तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो दोस्तों हो चुके हैं पूरे 15 मिनट और जल्दी से इसको निकालते हैं क्योंकि इरिटेट हो रही हूँ मैं। ओह माय गॉड फीलिंग सो गुड गाइस। तो दोस्तों हो चुका है स्किन केयर कंप्लीट और मैं इस वीडियो को भी यही पेंड करना चाहूंगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और टाटा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय।